बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुणाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। तो बहुत दिनों के बाद ये इंट्रोडक्शन दे के मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मैं मिस कर रही थी ये सारी चीज़ें। हाँ। कि कैसे अभी भी बोलने से पहले मैं हंस रही थी कि ये क्या हो गया। बट चलो ठीक है, तो बहुत दिनों के रेस्ट के बाद मैं आ गई वापस रिएक्शन के लिए। हालांकि आप सबको रीज़न पता ही होगा कि हमारे घर में एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची आई है, उसका नाम हम एक बार लाइव आएंगे फिर हम रिवील करेंगे क्या नाम रखा है हमने। और हमने आप लोगों से सजेशन भी लिया था, हमने एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था कि क्या नाम रखना चाहिए और काफ़ी लोगों ने बताया और उनमें से ही एक नाम हमने रखा है। तो वो नाम किस किस लोगों ने सजेस्ट किया था या क्या नाम था वो हम एक दिन लाइव आके आपको ज़रूर बताएंगे। तो ऑलमोस्ट 40 दिन के बाद शिवानी अब मतलब वीडियो कर रही है 40 दिन के बाद। तो और उससे पहले भी मैंने काफ़ी रेस्ट ले लिया था, तो ऑलमोस्ट 50 दिन ही हो गए। 50 दिन के बाद हम वीडियो कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आज की वीडियो है वो है मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस चैनल से और ये है मर्द में रोब। रोब अच्छा लगता है और वाकई में अच्छा लगता है। वाकई में बिल्कुल, अगर आपने कहीं नहीं सुना होगा कि औरतों में रोब अच्छा लगता है, कभी सुना नहीं लाइफ में। इवन औरतें भी रोब काफी रखती हैं, होती हैं, होती हैं। आप देखोगे जो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट लेडीज होती हैं, इंटेलिजेंट तो सभी होती हैं। तो हाँ, बिजनेस वुमेन टाइप जो अपने पैरों पे खड़ी रहती हैं, स्टैंड रखती हैं। हाँ। और इवन जो घर भी चलाती हैं उनमें भी रोब होता है। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ जॉब करती हैं उन्हीं में ही रोब होता है, जो घर चलाती हैं उनमें भी रोब होता बट है। वो बात है कि कभी हाँ। सुना है आपने कि वो लेडी के अंदर रोब है? नहीं, कभी तो ये नहीं सुना होगा कि मर्द के अंदर रोब नहीं है। मर्द में रोब है, भले उसका पैसा होना हो, इज्जत होना हो, समाज में मुकाम होना हो, पर रोब जरूर होता है मर्द के अंदर और वो अच्छा भी लगता है, सूट भी करता है, एक लिमिट तक होता है सूट भी करता है। तो देखते हैं मुफ्ती साहब का अपना ही अंदाजा बताने का, देखते हैं उसका क्या बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद के बयान के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मर्दों में बदमाशी खत्म हो गई है, हकीकत है, पहले ही ऐसा होता था। अभी भी केपीके में जाओ ना, जब एक दफा लड़की दे दी है वो बोले भाई अब दे दिए तो अभी हमारी बीवी है। हमारे यहाँ अजीब अजीब केस आ रहे हैं, जरा जरा सी बातों पे औरतें नाराज होके बाप के घर जाके बैठ रही है, छह छह महीने आ नहीं रही है, मर्द इधर आके मुझे तंग कर रहा है, मेरी बीवी नहीं आ रही, मेरी बीवी नहीं आ रही। मैं कहता हूँ थोड़ा बदमाशी दिखा यार, तो हर काम शराफत से नहीं होता है। अगर आप जुल्म कर रहे हैं तो जुल्म से तौबा करें। आपकी गलतियों की वजह से बीवी भागी है फिर तो हम आपको डांटेंगे, मलामत करेंगे, लेकिन आप में कोई फॉल्ट नहीं है। एक दिन ऊंची आवाज से बात कर ली थी, नाजो मिजाज बेगम चली गई घर। तो यहाँ मर्द को मर्दानगी दिखानी पड़ती है। थोड़ा ससुराल को जाके बोलो भाई इसको भेजो, समझ रहे हो ना, तमीज से बोल दिया इसको भेज दो, बस इस तरह स्टाइल ये वाला रखो, वरना जा जाके बार बार एक्सक्यूज मी सर प्लीज, ऐसे नहीं होता। हमारे एक दोस्त है पठान है, उनकी शादी हुई, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, तो शादी हुई उनकी, तो वो खाम खाम बेगम लड़के घर चली गई जरा सी बात पे ना। अब माँ भी अपनी बेटी को सपोर्ट कर रही है, बाज माए घर खराब करती है, सब माए ऐसी नहीं होती लेकिन बाज होती है। मेरे सामने केस आया, मैं काफी सुलह की कोशिश में लगा हुआ हूँ, उनकी माँ की समझ में नहीं आ रही बात, कह रही है नहीं हम खुला लेंगे अदालत से। मैंने कहा ये खुला नहीं बनता, बंदे को मैं जानता हूँ, हुकूक अदा कर रहा है, थोड़ी बहुत ऊंची नीची इंसान से गुस्सा ये तो हर घर में होता है, समझा समझा के थक गया। ये बंदा गया अपने स्टाइल में ना, जाके दरवाजा टूटा इसने, अंदर घुसा, बोला किसी के बाप ने दम में रोक के दिखाया बैठ गाड़ी में, ऐसे बीवी को बोला बैठ तू किसी के बाप में दम है, रोक के दिखाया, लेके आ गया, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। तो सारे काम तमीज से नहीं होते, मर्द थोड़ा मर्दानगी अच्छी लगती है, औरत को भी ये अपना अच्छा लगता है, औरत को भी ना आदमी थोड़ा सा
टेढ़ा मेढ़ा अच्छा लगता है, ज्यादा बदअखलाक ना हो, लेकिन औरत भी चाहती है कि मेरा मियां जो है ना थोड़ा सा इसमें थोड़ा मर्दानगी हो, पर्सनालिटी कुछ ऐसी हो, ज्यादा ना करें कि चंगेज खान बन जाए घर जाके, लेकिन थोड़ा सा रोब रखें घर के अंदर, मोहब्बत भी दें मगर रोब भी। मर्द को अल्लाह ने सरबरा बनाया है, जिस सरबरा का रोब ही घर में खत्म हो गया वो बेवकूफ आदमी है, वो घर बसा ही नहीं सकता, उसके बाप में दम ही नहीं है घर बसाने का। जब तक मर्द में रोब नहीं होगा, मर्दानगी वाला रोब जो एक होता है, देखो अल्लाह ने हर जानवर के नर में रोब रखा है कि नहीं रखा, बोलो ना। एक मुर्गा 10 मुर्गियों के लेके घूम रहा होता है, होता है कि नहीं होता? नहीं तो मेरी मुर्गियां आगे देख लो, देख लो आप मुर्गियां बेचारी आराम से, मुर्गा ना ऐसे सर उठा के यूं जा रहा हो, आप किसी मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करो, मुर्गा आपकी ऐसी की तैसी कर देगा, आप पाल के देखो। अरे देखो मुर्गा, तो ये हकीकत है, नहीं छोड़ता वो। बकरा पालो आप, बकरियां रखो पिंजरे में, बकरा भी आप किसी बकरी के को लेके जाओ, बकरा ऐसे आगे टक्कर मारेगा, बोलेगा तूने मेरी परमिशन के बगैर हाथ कैसे लगा दिया इसको भाई। तो रोब है हर नर में, शेर को देखो। शेर एक डॉक्यूमेंट्री थी, हमारे एक दोस्त ने देखी, बड़ा अच्छा नक्शा खींचा, तो ऐसे बिल्कुल जैसे हकीकत, यानी ये हकीकी डॉक्यूमेंट्री है, वाकई जंगल में। वो डॉक्यूमेंट्री से इबरत हासिल करो, हुआ ये उस डॉक्यूमेंट्री में, उन्होंने मुझे बताया बड़ा जबरदस्त कि आपको पता है शेरनी जो है ना, शेरनी, शेर की कई शेरनियां होती हैं, तो शेर एक कछार बना के रहता है, उनकी हिफाजत भी करता है, शिकार भी अक्सर शेरनियां करती हैं, शेरनी करता। शेर का काम होता है इमरजेंसी में आना। तो डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया गया कि शेरनी को लकड़बड़ नहीं होते, वो बड़े गंदे से जानवर होते हैं, उन्होंने घेर लिया शेरनी को। अब शेरनी बेचारी उनसे लड़ रही है, वो लकड़बड़ करीब आ रहे हैं, और शेरनी टेंशन में, शेर मुसंडा बना हुआ आराम से पड़ा हुआ है, सो रहा है ना, वो टेंशन नहीं ले रहा इसकी। शेरनी अपने हस्बैंड की तरफ देख रही है, शेर आराम से पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है ना, बेगम इग्नोर करो, ये टुच्चे लौंडे पाड़े लुच्चे। बेचारी शेरनी घबरा रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मर्द ऐसे, जानवरों में मर्द ऐसे होते हैं, तो इंसानों में भी ऐसे ही होना चाहिए ना। तो रोब नहीं होगा तो किसी काम के नहीं हो, ससुराल के आगे झुके रहो, बस दबे रहो, जुल्म ना करो। रोब का ये मतलब नहीं है कि बीवी के हुकूक अदा ना करो, मोहब्बत ना दो, गलत मतलब ना लेके जाओ, मगर ये कि अपनी मर्दानगी का एहसास दिलाते रहो कि घर का बाप कौन है, मैं हूँ, ठीक है ना, सरबरा मैं हूँ। तो अब वो शेर ने क्या किया है, अब शेरनी वाकई कंफ्यूजन में, शेर ने क्या किया है, मंजर देखने के लिए ना सोते सोते अपनी एक आंख खोली यूं कर ली, यानी उसने ये पैगाम दिया है कि जो काम एक आंख खोल के हो सकता है उसमें दो आंखें खोलने के तकल्लुफ की जरूरत क्या है, वीडियो नहीं बनाया भाई, जो काम एक आंख के जरिए हो सकता है, यानी लकड़बड़ को ये मैसेज दिया कि हम तुम्हें इतनी भी लिफ्ट नहीं करा रहे कि दोनों आंखों से देखें, हम बस यूं करके देखा, यूं करके आंख बंद कर ली कि चलो अभी तो शेरनी में दम है, जब देखा ना कमबख्त नहीं जा रहे, फिर भी उड़ी उड़ी और वो जो उनकी खास आवाजें होती निकाल रहे होते, तो फिर ये आराम से उठा, अंगड़ाई ली, जैसे सुबह सुबह उठते हैं लकड़बड़ समझ रहे हैं कि ये तो अभी घंटा लगेगा, उठेगा, वॉशरूम जाएगा, मंजन करेगा, नहा धो के आएगा, फिर मुज़ाकरात की बात शुरू होगी, तो वो टेंशन नहीं ले रहे थे शेर की, इसके स्टाइल से। उसके बाद आराम आराम से चलता हुआ शेरनी के करीब गया, वो बेचारी कांप रही है ना, और शेरनी से जाके पूछा कि टेंशन क्या है, शेरनी ने बताया भाई ये देखो लौंडे लपाड़े लुच्चे, तो उनकी एक तरफ ना उनकी नजर यूं करके देखा ना लकड़बड़ की तरफ, ऐसे यूं करके देखा, अचानक हमला कर दिया उनके ऊपर, ऐसा पकड़ के जबड़ा फाड़ा है ना, वो सारे चीते पे भाग गए, यानी उसने पैगाम दे दिया कि हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाने की जरूरत नहीं, हम तो तुम्हें टेंशन नहीं ले रहे, लेकिन तुम्हें शराफत से बात समझ में आने लगी है, तो फिर ये वाला, तो ये वही है जो हमारा पठान दोस्त, हम महीने से कोशिश कर रहे हैं मियां बीवी में जोड़ हो जाए, ससुराल को उनके समझ में बात आने लगी,
वो घर गए, दरवाजा बजाया, धाड़ करके अंदर घुसे, बेगम को पकड़ा, गाड़ी में बैठ, और है भी लंबे तड़ंगे चौड़े ना, बंदा वैसे ही देख के डर गया, इतनी चौड़ी चौड़ी कलाई है। एक दिन 18 रोटियां खाई उन्होंने, 18 रोटियां बंदे ने खा गए। तो जाके बोला बैठ गाड़ी में, ऐसी की तैसी, मैं देखता हूँ किसी के बाप ने दम में रोक के बताए। तो वो साले वाले सारे लकड़ बकड़ की तरह, उनको पता नहीं चलेगा कि उनकी बात हो रही है, पुराना किस्सा हो गया है। तो थोड़ा सा रोब घर में रखो, आदमी थोड़ा सा रोबदार औरत को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी थोड़ा रोबदार बाप अच्छा लगता है, ठीक है ना। इतने चुई मुई नहीं बन जाओ कि तुम्हें ससुराल वाले बेच के खा जाए। थोड़ा सा अपने पांव ऊंचा रखो घर में, नहीं तो हमारे मुर्गे को आके देख लो, मोर को देखो। मैं कल देख कर गया हूं, एक हमारे दोस्त ने मोर पाले में, कैसी शान से ऐसे घूम रहा होता है, मोरियां दाएं बाएं, मोर अकेला होता है, शेर अकेला होता है, मुर्गों को देख लो ऐसे सर उठा के घूम रहा होता है। खाने पीने में मुर्गा पहले मुर्गी को खिलाएगा, जब बाजरा डालो ना, मुर्गा देख रहा होता है मुर्गियां पहले खा रही होती हैं, मुर्गा पहले नहीं खाता। तो ये मर्द की शान है, वो घर वालों को पहले खिलाएगा। लेकिन वो कहेगा, हम जो आपको अपने ऊपर तरजीह दे रहे हैं, आपको पिज्जे भी खिला रहे हैं, बर्गर भी खिला रहे हैं, खुद हम दाल से रोटी खा रहे हैं आपकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे बाप बन गए हैं, हम ही हैं। हाँ जी, तो बढ़िया थी वीडियो, बहुत ज़बरदस्त थी। और वाकई में ये बात बहुत सही लगती है कि मर्द में रोब होना चाहिए, वाकई में ना, मर्द और औरतों को भी, जो उनकी वाइफ होती है उनको भी रोब वाले मर्द बड़े पसंद है। और रोब होना तो सामान्य बंदा हिम्मत नहीं नहीं करता। अगर सपोज़ कोई आपकी वाइफ को देख रहा है या कुछ कर रहा है, कोई कमेंट पास कर रहा है, पता लग गया कि आप रोब वाले, आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, तो बंदा हिम्मत नहीं करता, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता। हाँ, और पता चले मतलब कोई रोब वाला बंदा नहीं है, मतलब हस्बैंड रोब वाला नहीं है, तो फिर मार्केट में कुछ भी हो तो कोई क्या ही सोचेगा, है ना। समझा नहीं मतलब मतलब बात वही है कि मतलब एज अ बिना रोब वाला इमेजिन करके देख लो ना, सॉफ्ट सा बिना रोब वाला, तो हाँ। वो क्या ही अपनी फैमिली संभालेगा, उसकी वाइफ को जरूरत पड़े किसी भी चीज में, कहीं पर कोई परेशानी आए या कुछ भी, तो रोब वाला बंदा वो रोब ना दिखा सके तो फिर वहाँ पर वाइफ को ही शेमफुल फील होगा बिल्कुल। और एक मुंह पर ना बोलने का बंदे के अंदर ये गट्स होना चाहिए कि भाई बंदे के मुंह पर ना बोल दो। मोस्टली मैंने लोग देखे कि क्या होता है कि मुंह पर ना नहीं बोल पाते, वो घुमाते हैं, गोली देते हैं। मुंह पर ना बोलना आना चाहिए कि भाई यार ये मेरे बस की नहीं है, या मैं नहीं कर सकता, या नहीं होगा, या नहीं दे सकता। क्लियर कट मुंह पे ना बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे बहुत ज़्यादा सही होते हैं आजकल के टाइम में। जबकि घुमा फिराओगे तो कहता बंदा यार ये तो ऐसे ही है, घुमाता फिराता है, इसके बात का यकीन नहीं है। घुमा फिरा के बात मेरे से तो होती नहीं, बिल्कुल। मैं भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो बात है एकदम सीधी बात, मतलब कि क्या सोच, उसके लिए तो सोचना पड़ेगा कि कैसे किस तरह से हुआ है, तो जो मुँह में आ रहा है सीधा वो, बिल्कुल। तो आप भी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाए रोब वाली की, और लिमिट में, ये नहीं हद से ज़्यादा लोग रोब ही होना चाहिए कि इस बेमतलब में रोब झाड़ रहे, ऐसा नहीं है। जहाँ लगे कि जरूरत है वहाँ रोब होना चाहिए। तो मतलब अब मर्द का रोब का ये भी मतलब नहीं कि सारा टाइम रोब 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 में ही रोब, ऐसे तो भी परेशान होकर फिर बीवियाँ भागेंगी। बिल्कुल, लिमिट लिमिट में रोब में रहो, लिमिट होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो चलते हैं गाइस, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस चैनल से थी वीडियो, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही आप हमारे चैनल को भी कीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।